ये इवेंट हमारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका यहाँ का श्रीनगर जो अर्बन एरियाज में जो प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है उसी का इनॉग्रल किक ऑफ प्रोग्राम है। सो इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद यही है कि हम लोगों तक पहुंच सकें, उन तक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन दी जाए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इनमें किस तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं और वो बेनिफिट्स कैसे अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी एलिजिबल हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम सेचूरेट हो सकें कि जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उन सबको इन प्रोग्राम्स का, इन स्कीम्स का फायदा मिल सके। इसके साथ हमारे पास जो वैन आई हुई है, वैन में डिजिटल माध्यम के जरिए भी प्लस थ्रू प्रिंटेड मटेरियल आल्सो आईसी मटेरियल इसमें लगा हुआ है। ये वैन का पूरा एक पूरे शहर भर का प्रोग्राम बनाया गया है, अलग अलग वार्ड्स में ये गाड़ी जाएगी, वहाँ पे अलग अलग जो हमारे वार्ड्स हैं वहाँ प्रोग्राम्स रखे गए हैं, पब्लिक प्रोग्राम्स रखे गए हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स रखे गए हैं जहाँ पे इस यात्रा के जरिए, इस रथ के जरिए लोग जो है मुस्तफीद हो सकते हैं, वो जानकारी ले सकते हैं प्रोग्राम्स के बारे में, प्लस इनसे कैसे बेनिफिट लेना है, किस तरीके से इसमें जो है अप्लाई करना है, किस तरीके से जो है इनमें एनरोल होना है, वो सब चीज़ें इसमें की 15 नवंबर जाएंगी। से ये चलती आ रही है, आज ये पहुंच गई श्रीनगर शहर में। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट है हमारे 35 वार्ड, आज से ये हर वार्ड में जाएगी ये यात्रा। इसका मकसद है जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या स्टे जो हमारे यूटी के स्कीम्स हैं ये लोगों तक पहुँचे, जिन तक ये आज तक नहीं पहुँची है, मकसद इसका है। एक तो ये लोगों तक पहुँचे ताकि वो इससे पूरा पूरा फ़ायदा हासिल कर सके। मकसद इसका यह है कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है ये, लोगों तक इसकी जानकारी देनी है और उनको इसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। इसमें खास हमारी आदेश जो है वो इसमें यूथ को कवर करना है, महिलाओं को कवर करना है, किसानों को कवर करना है और जो गरीब है गरीब को कवर करना है। अब हमारी गुजारिश है लोगों से कि वो इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ बैंकों के स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्टॉल लगा हुआ है, हर महकमे का स्टॉल, वो इसका इससे पूरा लाभ उठा सकते हैं, इन स्कीमों का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मकसद है जवानों तक ये पहुँचाना और जो इसके हकदार हैं उन तक ये पहुँचाना। लोग ये टेक्नोलॉजी फॉलो करेंगे जो स्कॉस्ट की वराई, जो स्कॉस्ट की टेक्नोलॉजी जो या केवीके की टेक्नोलॉजी है। एक तो उनको देखो इस टाइम हमको लैंड बहुत चाहिए होता है किसी फ्रूट क्रॉप को लगाने के लिए। हम इनको कहते हैं कि अगर आप हमारी टेक्नोलॉजी पे लाभ कर मतलब यूज़ करेंगे, केवीके की टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे, आप अपना जो वर्टिकल गार्डनिंग दीवार पर भी आप अपना जो क्रॉप लगा सकते हैं, आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, आप हाइड्रोपोनिक्स पानी में अपना आप क्रॉप लगा सकते हैं। तो ना उनको ज़मीन को की ढूंढने की ज़रूरत है, अब वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं लोगों को। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन की हम बात करें, वो अपना एक यूनिट खोल सकते हैं। हमारे आप देख रहे हैं माए बहनें घर पे बेकार बैठी है, हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप जैम जेली पिकल्स कैसे बना सकते हैं, मशरूम पर आप हम ट्रेनिंग देते हैं। वो हमारी जो रूरल यूथ इस टाइम बेकार बैठा है, हमने उनको हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, जो अगर ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग को फॉलो करेंगे तो इससे आप वो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं घर बैठ के ही। उनको बाहर से कोई चीज़ परचेज नहीं करनी है क्योंकि घर में उनको हर एक चीज़ मिलती है। इवन हम नेचुरल फार्मिंग पे हमारा फोकस है, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि घर पे ही आप खाद बनाएं, वो बाहर से खाद पे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। एक तो वो इंजीरियस है हेल्थ के लिए, और जो अपनी खाद वो यूज़ करें इसी ज़मीन में, तो उससे भी उनको जिस जो जो चीज़ वो जो पैसा वो खाद लाने में इस्तेमाल करते हैं तो वो पैसा उनको बच जाएगा अगर वो नेचुरल फार्मिंग पे तो काम करें। बहुत सारा यूथ हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स डेवलप भी हो गए हैं। हमारा में एक बहुत बड़ा ब्रेन में एक यूनिट चलता है वर्मी कंपोस्टिंग पे, वो इसमें इसके साथ मतलब हमने हमारे पास ट्रेनिंग की, उसके बाद उन्होंने अपना एक यूनिट खड़ा किया। हमारा हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन पे हमने ट्रेनिंग की, उसके बाद आप देखेंगे हमारा यहाँ पे टॉकनवारी में टूबा नाम पे एक यूनिट चल रहा है, वो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वो जैम्स बना रहे हैं, जेलीज बना रहे हैं, पिकल्स बना रहे हैं। हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरी की, तो हमारे ब्रेन में एक सॉइल टेस्टिंग लैब खोली है। तो मतलब हमारे हिसाब से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, हम फिशरीज पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लोग काफ़ी चाहते हैं कि ये स्किल
ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ अगर लोगों को एक एक क्लास स्किल्स के बारे में भी देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। इवन हमारा एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है हमारा टोकनवारी में, वो वेजिटेबल्स पे है, हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमारा डाल तरफ से वो नदरू पे कल्टिवेशन कर रहा है, मतलब वो FPO है जो KVK श्रीनगर ने खड़ा कर, मतलब उनको ट्रेनिंग दी तो फिर उन्होंने वो। क्या आपको लगता है कि ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिले और पता चले? एग्जीबिशंस बिल्कुल, और ये तो बहुत अच्छा विकसित भारत संकल्प यात्रा का बहुत प्रोग्राम है। आज हमारा 16वां दिन है इस प्रोग्राम के साथ, हम हर एक पंचायत में गए और लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हो गई इस प्रोग्राम के बारे में, लोगों को काफ़ी जान पहचान थी। देखिए हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को देखते हैं मगर हर एक यूथ हमारे पास नहीं आता है, बट अब हम लोगों के हम घर घर गए तो हमको लगा कि ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, ये आगे भी बढ़ना चाहिए ऐसे।